स्वागत बाटे रउआ सबके हमार खास प्रोग्राम भोजपुरी गॉसिप्स में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले इंडस्ट्री आ स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर जे रउआ सब कहीं से ना सुनल हो कम खाली यही प्रोग्राम में मिलेला उ सब ताज़ा तरीन खबर सुने खातिर। पहला खबर जे लेके आयल बनी वो खेसारी लाल से जुड़ल बटे। खेसारी लाल के लेके हाल ही में सोशल मीडिया पर एगो खबर देखे के मिलल जेमें ई खबर सुने के मिलल बटे कि खेसारी लाल पर केस दर्ज हो गया बा। खेसारी लाल पर लंका के कोनो थाना होटे, लंका नाम से कोनो थाना होटे जहाँ तहरीर देवल गई बा खेसारी लाल के गाना पर करनी सेना लोग आपत्ति जतवले बा। ऐसा खबर सोशल मीडिया पर फैलल रहे जरा के सुनला के बाद उनकर हर दर्शक लोग हैरान बटे कि भाई ऐसा का हो गई बटे कि ऐसा सुने के मिल रहा बा। तो वो लोग से जुड़ल एगो खास खबर हम लेके आयल बनी कि के कैले बा कहवा कैले बा आ काहे खातिर तहरीर देले बा लोग खेसारी लाल से जुड़ल। देखी अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क कर। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक उनकी लगातार कई सारी फिल्में ऐसी भी हैं जो रिलीज को तैयार हैं और हो सकता है आपको आने वाले दिनों में देखने को भी मिले। लेकिन फिलहाल खबर ये भी है कि खेसारी लाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अफवाहों का बाजार गर्म है, एक बार फिर से विवादों का जोर लग रहा है क्योंकि ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं कि करनी सेना द्वारा खेसारी लाल पर उनके गीतों को लेकर लंका थाना में तहरीर दे दी गई है। हालांकि ये खबर कितनी सच्ची है ये वही बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल हर जगह यही खबर फैली हुई है कि खेसारी को लेकर लंका थाना में तहरीर दे दी गई है क्योंकि उन्होंने अपने किसी गाने में महिला पर कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ना तो खेसारी की तरफ से और ना ही किसी खास शख्स की तरफ से इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी की गई है, इसलिए सच का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन अगर ये खबर सच है तो आगे भी इसकी जानकारी आपको जरूर मिलेगी। अगला खबर अंजना सिंह आयश कुमार मिश्रा से जुड़ल बात है। देखिए फिल्म के शूटिंग के दौरान चाहे फिल्म में अरे वो सब कई सारे रोमांटिक सीन देख ले हो खम जा वो रोमांटिक सीन कई लोग का मन में ये सवाल छोड़ जाला कि का ऐसा सीन रियल में दोनों लोग करत हुई। तो एगो सर्च भइल जेकरा से रिसर्च भइल जेकरा से ये पता चलल कि ना कुछ हद तक रियल में होखेला, बाकी सब एडिटिंग के कमाल होते। लेकिन हाल ही में भोजपुरी के एगो ऐसा फिल्म बनल भी है जिसका नाम बटे नागराज। नागराज में यश कुमार मिश्रा आ अंजना सिंह के जे भी रोमांटिक सीन बटे उ सब रियल में कैले बा लोग, कोनो एडिटिंग नहीं खे। एडिटिंग बटे तो खाली ग्राफिक्स में बैकग्राउंड तैयार करे खातिर, एगो लोकेशन तैयार करे खातिर, बाकी हर सीन खेसारी आ अंजना रियल में देले बा लोग जेकरा के देखल बहुत दिलचस्प हुई दर्शक लोग का बीच में। रियल लाइफ में दोनों पति पत्नी बा लोग, दोनों लोग के कुल जोड़े के बाकी सब भी सराहिला लोग। लेकिन रोगा सब फिल्म में देखम काल ही रिलीज हो जाए बिहार झारखंड में, तो हम ए सीन से जुड़ल, ए रियल कपल से जुड़ल, ए फिल्म से जुड़ल एगो खास जानकारी लेके आई बनी। देखी अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क कर। भोजपुरी सिनेमा में कपल रह चुकी रियल जोड़ी अंजना और यश की फिल्म नागराज, जिसका दर्शकों को था बेसब्री से इंतजार। इस फिल्म में ग्राफिक्स की सहायता से नागलोक को इस तरह बनाया गया है जैसे देखने के बाद सभी को यही लगेगा जैसे वो सचमुच किसी नागलोक में आ गए हों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में यश और अंजना की जोड़ी के अलावा पायस पंडित भी नजर आएंगी जो यश और अंजना को करना चाहेंगी अलग थलग। इस फिल्म की शूटिंग के समय से ही सुर्खियों में छाई हुई थी क्योंकि आमतौर पर फिल्मों के ज्यादा रोमांटिक सीन को एडिटिंग से पूरा किया जाता है, लेकिन इस फिल्म में यश और अंजना ने रियल रोमांटिक सीन दिए हैं। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी या तो खुशी होगी कि अंजना और यश का प्यार आपको रियल में देखने को मिलने वाला है। तो देखना ना भूलें 3 अगस्त यानी कल से बिहार झारखंड मुंबई के सिनेमाघरों में भोजपुरी फिल्म नागराज, जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर पहले भी ट्रेंड कर चुका है। चांदनी सिंह के डिमांड आजकल काम करे वाला कलाकार लोग में, सुपरस्टार लोग में बहुत बढ़ गई बटे। दर्शक लोग में तो पहले ही से रहे देख ले हम लोग सब कि बीतल दिन पहले पवन सिंह के साथ चांदनी सिंह एगो बोलबम के गाना शूट कर ले रही।
लेकिन आज वे पहुंच गए बड़ी गुजरात। संजीव मिश्रा, पावर स्टार संजीव मिश्रा के गो फिल्म बनत आते जिनका नाम बटे बद्रीनाथ, जिसमें चांदनी सिंह भी नजर आई हैं, प्रियंका पंडित भी नजर आई हैं, लेकिन प्रियंका पंडित अपन शूटिंग खत्म कर चुकल बड़ी। चांदनी सिंह के हो सकता है ज्यादा सीन हो, यही से चांदनी सिंह के हाल ही में संजीव मिश्रा के साथ बहुत ग्लैमरस तस्वीर सामने आई बटे, जिससे जोड़ल एगो खास जानकारी रो सके लेके आई बनी। देखिए अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा में पावर स्टार के नाम से मशहूर अभिनेता संजीव मिश्रा और चांदनी सिंह की जोड़ी वाली भोजपुरी फिल्म बद्रीनाथ की शूटिंग आजकल गुजरात के संजान स्टूडियो में की जा रही है। ये जानकारी दी फिल्म के अभिनेता संजीव मिश्रा ने। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसकी शूटिंग गुजरात में आजकल कर रहा हूँ। फिल्म में भोजपुरी इंडस्ट्री की फिटनेस क्वीन गार्गी पंडित भी नजर आ रही हैं, जिनकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। इस फिल्म को धीरू यादव निर्देशित कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री के बहुत अनुभवी युवा निर्देशक हैं। वेल, इस दौरान फिल्म के सेट पर चांदनी सिंह बड़ी ग्लैमरस अवतार में नजर आई हैं। दिनों दिन दर्शकों के बीच अपनी खास पहचान बनाने वाली चांदनी बाकी की हीरोइनों पर पड़ने लगी हैं भारी, क्योंकि हाल ही में पवन के साथ चांदनी को देखने के बाद आधे से ज्यादा लोगों ने यही कहा है कि चांदनी को हीरोइन के रूप में लेकर आना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसी ही हीरोइन की जरूरत है। भोजपुरी फिल्म में काम करे वाला लोग कभी शायद भोजपुरी फिल्म के बेकार ना बता सकेला। भोजपुरी गायकी करे वाला लोग शायद कभी भोजपुरी गाना के बेकार ना बता सकेला, कहे कि और कोई अपन प्रोफेशन के सुधार जरूर सकेला अगर कोई गलती हो को, लेकिन ओकरा के नकार ना सके। ऐसा ही हम एगो एक्टर के जुबानी के कहानी लेके आई बनी, जिनका नाम हटे अजीत सिंह, जो भोजपुरी फिल्म के अशोभनीय सीन चाहे भोजपुरी के अशोभनीय गाना से जुड़ल एगो बयान देले बड़े या कुछ कहले बड़े, जिनका से जुड़ल जानकारी हम लोग सबके दिखावे जा रहा बनी। देखी अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों का इतिहास सुनहरा रहा है। भोजपुरी में कई ऐतिहासिक फिल्में बनी हैं, जैसे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ई वो, बिटिया भइल सियान, चंदवा के ताके चकोर, हमार भौजी, गंगा किनारे मुरागांव, संपूर्ण तीर्थ यात्रा, नदिया के पार। आपको बता दें कि भोजपुरी फिल्म नदिया के पार का हम आपके हैं कौन नाम से हिंदी रीमेक भी किया गया था, और इतना सुनहरा इतिहास रहा है भोजपुरी फिल्म का। लेकिन दो दशक पहले भोजपुरी फिल्म अशोभनीयता की दलदल में फंसना शुरू हुई और आज तक फंसती ही चली जा रही है। इस बात से आहत होकर भोजपुरी और कन्नड़ फिल्म में काम कर चुके अभिनेता अजीत सिंह ने भोजपुरी लिरिस्टिक से साफ सुथरे गाने लिखने के लिए निवेदन किया है। अजीत का कहना है कि अशोभनीयता के कारक कई हैं, जिनमें गानों का द्व्यर्थ ही होना प्रमुख है। अजीत कहते हैं, नमस्कार, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि भद्दे और द्व्यर्थी गानों की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत बेइज्जती हुई है। आए दिन बात विवाद होते हैं, दर्शक फिल्मों से दूर जा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अन्य फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बात करने से पता चलता है कि भद्दे और द्व्यर्थी गाने और फिल्मों में फैली गंदगी की वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लोगों की राय भी ठीक नहीं है। वास्तव में उन्हें ऐसा राय बनाने का मौका हम लोगों ने ही दिया है। आप सभी गीतकारों से अनुरोध है कि कृपया साफ सुथरे गाने लिखने का खुद से प्रयास करें और दूसरे गीतों को भी इसके लिए गीतकारों को भी प्रेरित करें। अगर आप भद्दे और द्व्यर्थी गाने लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अपने टैलेंट को कम आंक रहे हैं। अगर टैलेंट का सही प्रयोग किया जाए तो आप सब में बेहतरीन गाने लिखने की अद्भुत क्षमता है। मेरी बातों को सकारात्मक में लिया जाए, क्योंकि मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा बल्कि फीडबैक दे रहा हूं। अगर आप सब इस बात पर अमल करें और इस दिशा में कोई कदम उठाएंगे तो यकीन मानिए, आपके द्वारा लिया गया यह छोटा सा कदम फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बदलाव ला सकता है। अगर आप पहले से साफ सुथरे गाने लिख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, फिर आप दूसरे गीतकारों को भी साफ सुथरे गाने लिखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। तो ई रहे आज इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल कुछ गॉसिपिंग भरल खबर। चले के सबे हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसे गॉसिपिंग भरल तमाम गॉसिपिंग भरल खबर का साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी है इजाजत, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।